हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो जैसे हमने देखा और एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी आज जो है तो लगभग 300 पॉइंट नीचे खुला। हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी, लगभग एक टाइम पे हम 400 पॉइंट नीचे थे, नीचे के लेवल से थोड़ा सा रिकवर होके अभी लगभग 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लगभग 1.65%। तो चार्ट पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो शुरुआत वीक ओपनिंग के साथ की हमने और लगभग 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। वीकली कैंडल जो है तो ग्रीन है, क्योंकि जहां ओपन हुए थे उसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज हुआ है, मगर हम जो है तो एक अच्छा खासा गैप डाउन देखा है। और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था उस तरह से हम 16600 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे जो है तो आप देख सकते हैं कि हम जो 50 डेज का जो एवरेज है उसके नीचे खुले, और यहाँ जो है तो ये एवरेज अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी कल के लिए ट्रेड रहेगा, अगर निफ्टी जो है तो 17,330-50 के अराउंड आता है तो आपको शॉर्ट जाना है निफ्टी पे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 17,450 का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है आपको। नीचे जो टारगेट बनेगा, अभी आपका जो टारगेट रहेगा ये स्विंग टारगेट रहेगा, और ये टारगेट आने के लिए हो सकता है कि 2 से 3 दिन लगे। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,900 और 16,850 का। तो आपको यहाँ सेल ऑन राइज भी रखना है, आपको परफेक्ट सेल मिलेगा 17,330-17,350 के अराउंड। आपका जो टारगेट रहेगा वो 16,900 से लेकर 16,850 के रहेंगे फॉर फ्यूचर। और यहाँ मुझे लगता है कि हम, हो सकता है अगर हम 16,800 का लेवल तोड़ देते हैं तो निफ्टी जो है तो बहुत ही नीचे का लेवल भी दिखा सकता है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो यहाँ करंटली बेरिशनेस है और हमें ट्रेंड के साथ ही जाना है, तो हमारा सेल कॉल ही रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो जिन्होंने पुट लिया होगा उन्हें तो ऑलरेडी अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है, और हमने आज जो है तो शॉर्ट में अच्छा खासा मुनाफा भी बुक किया। अभी यहाँ जो है तो आपको फोकस करना है 17,400 या फिर 300 के पुट ऑप्शन पे, जो मंथली एक्सपायरी का है उस पर आपको फोकस करना है, उसको डिप्स पे एक्युमुलेट करना है। उसमें जो है तो आपको डिप्स पे जो है तो एक्युमुलेशन करना है, और आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अगर फ्यूचर जो है तो 17,450 क्रॉस कर लेता है तो आपको उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा वो आपको लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर 16,850 या 900 के लेवल आते हैं तो आपको उस ऑप्शन में कम से कम 2x गेन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फोकस करना है 17,300 या फिर 17,400 का पुट ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे, वो भी मंथली एक्सपायरी का, या मतलब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। आई मोस्टली ट्रेड इन मंथली ऑप्शन, जैसे मैंने पिछले और कई सारे वीडियो में कहा, मुझे अगर वीकली ऑप्शन ट्रेड करना है तो वो सिर्फ मैं इंट्राडे, मैं कैरी नहीं करता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन कैरी करना है तो आई मोस्टली प्रीफर मंथली ऑप्शन ओनली। तो यहाँ जो है तो हमारा व्यू सेल ऑन राइज ही रहेगा, और हम पुट ऑप्शन पे ही फोकस करेंगे, उसको एक्युमुलेट करेंगे। ये तो स्टिक स्टॉप लॉस, या वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आज जो है तो वीक्स फिर से जो है तो इंच अप हुआ है, हमने 20 के लेवल देखे थे। हो सकता है कि मुझे आने वाले दिनों में वीक जो है तो 25 से 28 के लेवल की तरफ जा सकता है। तो यहाँ आपको दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव आते हुए देखेंगे, इसलिए स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो उसके वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ सकता है। और यहाँ जो है तो मोस्टली आई विल प्रीफर बेरिश साइड, तो हम ट्रेंड के साथ ही रहेंगे। यहाँ ट्रेंड बेरिश है, करेक्टिव है, तो उसी साइड रहेंगे। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप ने जो जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा उन्होंने आज अच्छा खासा मुनाफा बनाया होगा मार्केट में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कॉल चाहिए इंडेक्स में तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक्स जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।